वीडियो के इस पार्ट में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का स्टडी करेंगे, कर्व्स। देखिए ये कर्व्स जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सपोज करिए आप जो है स्ट्रेट, आपकी व्हीकल जो है स्ट्रेट जो है मूव कर रही है और उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना है, तो डायरेक्शन जो है विदाउट कर्व प्रोवाइड कर किए जो है चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए कर्व की आवश्यकता पड़ती है। तो कर्व के बारे में हम डिटेल आइडिया आपको देंगे। सबसे पहले जो है कर्व के बारे में आपको डिग्री ऑफ कर्व क्या होता है, देखिए डिग्री ऑफ कर्व, ये जो डिग्री ऑफ कर्व जो होता है डिनोटेड बाय कैपिटल डी, इसको डी से जो है डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, तो एंगल सबटेंडेड एट इट्स सेंटर बाई ए कार्ड ऑफ 30.5 meter इज नोन एज डिग्री ऑफ कर्व। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है आइटम से शुरू हुआ है, डिग्री ऑफ कर्व क्या होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल जो है एंगल सबटेंडेड एट इट्स सेंटर बाई ए कार्ड ऑफ 30.5 meter, इसका मतलब ये हुआ कि 30.5 meter कार्ड के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनता है, देखिए इट्स सेंटर वही क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ कर्व। एक बात और बता दें, देखिए ध्यान दीजिए जो आपका ये सर्कल होता है, ये टोटल जो है ये सर्कल है, तो ये सेंटर है, सेंटर ये इसका सरकमफेरेंस है, देखिए इसको कहते हैं सरकमफेरेंस। देखिए सरकमफेरेंस की जो वैल्यू होती है 2πr होती है, 2πr, r क्या है रेडियस, r जो है रेडियस। देखिए रेडियस सेंटर से आप क्या करिए सरकमफेरेंस को टच करा दीजिए किसी भी लाइन से, तो दैट विल बी रेडियस, ठीक है। तो सरकमफेरेंस जो होता है ये 2πr होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 2πr सरकमफेरेंस है, देखिए इसके द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनता है वो कितना 360 डिग्री, देखिए 2πr, देखिए 2πr सरकमफेरेंस है तो सेंटर का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। समझ लीजिए, सपोज करिए कि 30.5 meter के द्वारा सेंटर का एंगल कितना होगा, है देखिए 2πr के द्वारा सेंटर का एंगल 360, तो 30.5 meter के द्वारा जो सेंटर का एंगल होगा, देखिए इसको कहिए सिंस और इसको देयर फोर, तो ये हो जाएगा 360
into 30.5 upon 2 pi r। देखिए अब क्या करिए, 2 पाई से इसको कैंसिल कर दीजिए। जब आप 2 पाई से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1750, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट होगा 1750 बाई आर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 30.5 मीटर जो कार्ड के द्वारा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो आपने आर्क लिया है, तो आर्क और कार्ड का लेंथ जो है हम लोग सेम कंसीडर करते हैं, एप्रोक्सीमेटली जो है सेम कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका 2 पाई आर सर्कमफेरेंस है, तो 30.5 मीटर आर्क के द्वारा ये जो है, देखिए ये आपका एंगल बनेगा और इसी को कहते हैं डिग्री ऑफ कर्व। देखिए इसी को कहते हैं डिग्री ऑफ कर्व। तो 30.5 मीटर आर्क, तो यहां से इसको आप क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए, तो ये कार्ड हो गया। तो जो आर्क लेंथ है और कार्ड लेंथ दोनों इक्वल ले लिया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि ये होगा डिग्री ऑफ कर्व। तो एक बार और मैं इसको समझाना चाहूंगा कि 2 पाई आर सर्कमफेरेंस के द्वारा जो सेंटर का एंगल होता है वो 360 डिग्री, देयरफॉर 30.5 मीटर आर्क के द्वारा जो सेंटर का एंगल होगा वो होगा आपका, देखिए 1750 अपॉन आर, और इसी को कहते हैं डिग्री ऑफ कर्व, इसी को कहते हैं डिग्री ऑफ कर्व। तो आपने इस बात को क्लियर समझ लिया कि देखिए एक्चुअल में हम लोगों का डिग्री ऑफ कर्व और रेडियस में क्या जो है रिलेशन होता है, इसको आपको जानना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो फार्मूला अभी हमने बताया, ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो मैं जो है आपको बता दूं कि फिर एक बार कि D=1750 अपॉन आर। अगर आप R की वैल्यू लिखना चाहें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1750 बाई डी। तो देखिए आपको रेडियस अगर फाइंड आउट करना है तो डिग्री पता होना चाहिए, अगर डिग्री फाइंड आउट करना है तो रेडियस पता होना चाहिए। तो इस तरह से डिग्री ऑफ कर्व क्या होता है इसको हमने आपको बता दिया। अब हम लोग देखिए बहुत इम्पोर्टेंट फिर जो है एक टॉपिक है कि रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड वर्साइन, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड वर्साइन। देखिए रेडियस और वर्साइन में क्या रिलेशनशिप है इसको हम आपको बताएंगे। देखिए सपोज करिए ये आपका एक सर्कल है, देखिए ये सर्कल है, ये सेंटर है। अच्छा ये जो है आपका एक कार्ड है, और देखिए ये एक डायमीटर है, कोई बात नहीं, डायमीटर भी एक कार्ड ही होता है। देखिए इसी को जो है वर्साइन कहते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं,
वर्साइन। सपोज करिए ये इसका जो नेमिंग कर दे ए बी, और ये आपका क्या है, सपोज करिए कि डी ई है, डी ई, और इस पॉइंट को एफ चाहिए, ठीक है। ये आपका सेंटर पॉइंट ओ है। देखिए एक्चुअल में क्या है, ये आपका कार्ड है, तो कार्ड डिनोटेड बाय सी। कार्ड को किससे डिनोट करते हैं, कार्ड को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो अब बताइए ये सी बाय टू होगा, और ये भी क्या होगा, सी बाय टू, ये भी सी बाय टू होगा, ये भी सी बाय टू होगा। देखिए हम लोग क्लास टेंथ में एक थ्योरम पढ़ते हैं कि टू कार्ड सपोज करिए ये सर्कल है, इसके अंदर जो है इस तरह से टू कार्ड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज करिए ये ए बी है और ये सी डी है, ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो रूल है ए ई इंटू बी, ध्यान दीजिए, ए ई इंटू ई बी, ए ई इंटू ई बी इक्वल होगा सी ई इंटू ई डी, सी ई इंटू ई डी। ये जो है थ्योरम है, इसको आपको जानना चाहिए। फिर मैं एक बार बता दूं, ए ई, देखिए ए ई इंटू ई बी इक्वल टू सी ई इंटू ई डी। तो इस तरह से ये जो है थ्योरम, आपको प्रूफ नहीं करना है बट जानना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए हमारे फिगर में भी क्या है, ये टू कार्ड, देखिए ये कार्ड ये है, दूसरा कार्ड ये है, ठीक है, इसको डायमीटर भी कहते हैं। तो दोनों एक दूसरे को देखिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीएफ, देखिए डीएफ इंटू एफ ई, डीएफ इंटू एफ ई इक्वल टू एफ इंटू एफ बी। देखिए एफ बी लिख सकते हैं आप। अब देखिए डीएफ की वैल्यू क्या है, सी बाई टू, अच्छा एफ ई की वैल्यू सी बाई टू इक्वल टू ए ई, देखिए ए एफ की वैल्यू क्या है, वी, इसी को वर्साइन कहते हैं, इसी को वर्साइन कहते हैं। देखिए अब जो है इनटू एफ बी की वैल्यू क्या होगा, देखिए यहां से यहां तक क्या है, टू आर, अरे भाई यहां से यहां तक क्या है, टू आर, रेडियस का ट्वाइस डायमीटर होता है, तो यहां से यहां तक टू आर, तो इसका मतलब यहां से और यहां तक क्या होगा, टू आर माइनस बी, टू आर माइनस बी, तो टू आर माइनस बी, बस। देखिए एफ बी की वैल्यू टू आर माइनस बी। अब आप क्या करिए, इसको देखिए सी स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल टू टू आर भी, ये देखिए ब्रैकेट मैं खोल रहा हूं, टू आर भी माइनस, देखिए ब्रैकेट मैं खोल रहा हूं, टू आर भी माइनस भी स्क्वायर, देख लीजिए भी का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो टू आर भी, और भी का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो भी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए वर्साइन वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है, वर्साइन क्या होता है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू। अगर देखिए स्मॉल वैल्यू का स्क्वायर किया जाए तो वो और स्मॉल हो जाता है। देखिए कैसे, 0.5 अगर इसका हम लोग स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 0.25, और स्मॉल हो गया। इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, भी स्क्वायर कैन बी इग्नोर, मतलब आप
भी स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, भी स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं या भी स्क्वायर को एक्सक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड, भी स्क्वायर को आप क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड, ठीक है। जब आप भी स्क्वायर को एक्सक्लूड कर देंगे तो आपका जो है सी स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल टू टू आर भी, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो एट आर भी इक्वल टू सी स्क्वायर, इट मीन्स वी इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एट आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको जानना चाहिए। देखिए वर्साइन का फार्मूला क्या हुआ, सी स्क्वायर अपॉन एट आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है वर्साइन। तो वर्साइन जो है, देखिए वर्साइन क्या है अब बताएंगे हम आपको, ये आपका कॉर्ड है तो, और ये आपका आर्क है जो ये कर्व पोर्शन है, तो इस कार्ड के मिडिल में जो है, मिडिल से, और देखिए ये जो आपका रेल है, रेल सेक्शन है, तो इससे इसके बीच का डिस्टेंस वही क्या होता है, वर्साइन। ये मैं बताऊंगा वर्साइन के बारे में, बट आपने ये इसको जान लिया कि वर्साइन का फार्मूला क्या होता है, सी स्क्वायर अपॉन एट आर। इसके बाद हम लोग एक्चुअल में डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ कर्व इन फील्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि आप फील्ड में जो है डिग्री ऑफ कर्व जो है कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए डिटरमिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ कर्व इन फील्ड। देखिए मेरा ये कहना है कि सपोज करिए आपको जो है फील्ड में जो है डिग्री ऑफ कर्व जो है डिटरमाइन करना है और कर्व बोर्ड नहीं है, सपोज करिए, तो उस समय आप कैसे डिटरमाइन करेंगे डिग्री ऑफ कर्व। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि वर्साइन का जो फार्मूला होता है वी इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एट आर। देखिए ये जो फार्मूला है ये एक्चुअल में वर्साइन की जो वैल्यू है ये मीटर में देगा, क्योंकि आप क्या करते हैं सी का वैल्यू जो है मीटर में लेते हैं और आर का वैल्यू भी मीटर में लेते हैं, तो ये वर्साइन जो है मीटर में जो है आपको फाइंड आउट होगा। देखिए अगर हम क्या करें इस फार्मूला में 100 से क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे, तो देखिए ये फार्मूला क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू 8 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 12.5 सी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। देखिए इसके बाद मुझे फिर आपसे एक बात करना है कि अगर आप एमएम में चाहते हैं वर्साइन को एमएम में चाहते हैं तो देखिए एक्चुअल में वी इक्वल टू आपका सी स्क्वायर अपॉन एट आर है फार्मूला, उसमें 1000 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब इससे इसको कैंसिल करिए तो वी इक्वल टू 125 सी स्क्वायर अपॉन आर। तो देखिए ये सारे ये वर्साइन जो है एमएम में आपको फाइंड आउट होगा, ये जो वर्साइन है ये आपको सेंटीमीटर में फाइंड आउट होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए ये इस फार्मूला और इस फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, बट सिर्फ यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है,
अब मैं आपको एक बात बताऊं, सपोज करिए आप देखिए एक्चुअल में डिग्री ऑफ कर्व अभी अभी हमने बताया था 1750 बाई आर होता है। देखिए डिग्री ऑफ कर्व की वैल्यू क्या होती है 1750 बाई आर। अच्छा देखिए आप अभी वर्साइन का जो वैल्यू है, देखिए ये वाला वर्साइन की वैल्यू आप देखिए v इंटू आर इक्वल टू, आप चाहे तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, v इंटू आर इक्वल टू 12.5 c स्क्वायर। देखिए इट मींस r इक्वल टू क्या हो जाएगा 12.5 c स्क्वायर बाई v। देखिए तो इसका मतलब ये हुआ r की वैल्यू यहां पुट अप कर दीजिए, डिग्री ऑफ कर्व में जो है r की वैल्यू पुट अप कर दिया जाए तो देखिए d इक्वल टू 1750 अपान देखिए 12.5 c स्क्वायर अपान v। ठीक है अब देखिए आगे क्या हो जाएगा 1750 इंटू देखिए ये क्या हो जाएगा भाई देखिए ये अपोजिट हो जाएगा एक्चुअल में भी अपान ये हो जाएगा 12.5 c स्क्वायर। देखिए आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने कुछ किया नहीं है। देखिए डी जो डिग्री ऑफ कर्व इक्वल टू 1750 अपन आर होता है, वर्साइन का फार्मूला ये होता है। अच्छा आप क्या कर रहे हैं डिटरमिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ कर्व फील्ड। भाई देखिए आप कर क्या रहे हैं डिटरमिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ कर्व फील्ड, तो इसका मतलब आपके जो कैलकुलेशन में डी भी आ जाना चाहिए और वी भी आ जाना चाहिए। तो देखिए डी का जो है फार्मूला लेके चले हैं और उसमें जो है आर के जगह पर आर के प्लेस पर हमने ये वैल्यू पुट अप कर दिया। चलिए ठीक है तो देखिए ये क्या हो गया 1750 इंटू वी अपान 12.5 इंटू देखिए C का वैल्यू जो है इस केस में 11.8 होता है तो ये हो जाएगा 11.8 का स्क्वायर। देखिए हमने C का वैल्यू कितना लिया है कॉर्ड लेंथ 11.8 मीटर, बात समझिए अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। चलिए ठीक है तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा 1750 V अपान 12.5 इंटू 11.8 इंटू 11.8। ठीक है अब आप क्या करिए इससे इसको कैंसिल हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट जो है जब आप इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका देखिए रिजल्ट क्या आ गया। देखिए ये d की वैल्यू जो है तो d इक्वल टू v, इसका मतलब क्या हुआ देखिए इसका मतलब ये हुआ आपको क्या करना था डिटरमिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ कर्व इन फील्ड, आपको डिग्री ऑफ कर्व जो है फाइंड आउट करना था फील्ड में, तो इसका मतलब क्या करिए आप 11.8 मीटर के कार्ड पर 11.8 मीटर के कार्ड पर आप वर्साइन को क्या करिए मेजर कर लीजिए और जो भी वर्साइन आएगा वही क्या होगा डिग्री ऑफ कर्व। देखिए ये फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मदद करेगा इसीलिए मैंने इसको आपको बताया। देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट आइटम है। और देखिए फिर मैं एक बार बता दूं कि देखिए एक्चुअल में
11.8, देखिए वर्साइन जो मेजर करते हैं वो 20 मीटर कार्ड पर करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आप 11.8 मीटर कार्ड पर क्या करिए, वर्साइन मेजर करिए, जो वर्साइन की वैल्यू होगी वही जो है डिग्री ऑफ कर्व होगा। और जब डिग्री ऑफ कर्व आपको पता है तो रेडियस ऑफ कर्व जो है आप पता कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्व के लिए फार्मूला अभी अभी हमने बताया 1750 बाई डी हो जाता है बस। तो इससे आपको रेडियस ऑफ कर्व फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से था, इसको इग्नोर मत करिएगा। देखिए आप रिजल्ट को कम से कम जानते रहिए। रिजल्ट क्या निकला कि डिग्री ऑफ कर्व इज इक्वल टू वर्साइन, किस कंडीशन में, जब आप वर्साइन 11.8 मीटर कॉर्ड पर मेजर करेंगे, बस ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। अब देखिए हम आपको ये बताएंगे, जरा बहुत ही ध्यान दीजिए। सपोज करिए ये आपका कर्व है, ये आपका क्या है, कर्व है। तो इस कर्व से देखिए हम जो है ये देखिए ये एक्चुअल में यहां पर जो है, यहां पर इसको कहते हैं डिफ्लेक्शन एंगल और इसे फाई से डिनोट करते हैं। इसे क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन। देखिए ये आपका टेंजेंट लाइन है, देख यहां पर हम आपको देखिए इसको T1 कहते हैं और सपोज करिए यहां पर जो है ये आपका T2 है। देखिए कर्व के इस साइड टेंजेंट लाइन और कर्व के दूसरे साइड भी टेंजेंट पॉइंट होता है, टेंजेंट पॉइंट और टेंजेंट लाइन दोनों होता है। और देखिए इसके बाद जो है ये स्ट्रेट हो जाएगा और ये भी स्ट्रेट पोर्शन है। चलिए तो ये टेंजेंट और इस टेंजेंट, देखिए इसको कहते हैं, देखिए यहां से ये जो है हमने जो है सपोज किया ये आई है, क्या है आई, तो आई टी वन जो आई टी वन है ये क्या है, ये है टेंजेंट लेंथ, टेंजेंट लेंथ, टेंजेंट लेंथ। और उसी तरह से आई टी टू भी क्या है, टेंजेंट लेंथ। तो ये दो टेंजेंट लेंथ है, T1 और T2 टेंजेंट पॉइंट है, मैं लिख भी दे रहा हूं टेंजेंट, टेंजेंट पॉइंट। देखिए ये है आपका टेंजेंट पॉइंट और ये भी है क्या, टेंजेंट पॉइंट। देखिए इसको इससे हम क्या करें, दोनों टेंजेंट पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिए। तो ये कॉर्ड है, ये क्या है, इसको कॉर्ड बोर्ड, ये कॉर्ड हो गया आपका, ये क्या हो गया, कॉर्ड। और देखिए हमने क्या किया कि देखिए इसको जो है इस यहां से जो है मिडिल ऑफ कॉर्ड, मिडिल ऑफ कॉर्ड, तो इसका मतलब ये कॉर्ड को जो है सी से डिनोट करते हैं, कॉर्ड को किससे डिनोट करते हैं, सी से। तो इसका मतलब ये हो जाएगा C/2 क्योंकि मिडिल ये पोर्शन जो है ये मिडिल पोर्शन है। तो इसको हम नेमिंग कर दे रहे हैं, ये एफ है, ये एफ पॉइंट है, तो इधर भी आपका क्या हो जाएगा, C/2। चलिए ठीक है, देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए इसको एक्सटेंड कर दीजिए, इसके बाद जो है आप यहां से इसको ज्वाइन कर दीजिए। अच्छा जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये क्या है, ये रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस। सपोज करिए ये पॉइंट ओ है, ओ पॉइंट है, तो ये जो है रेडियस ऑफ कर्व होगा। देखिए एक्चुअल में ओ से और ये देखिए ये क्या है आपका आर्क है, ये आर्क है, तो ओ से आर्क को टच किया है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये
ये रेडियस है और ये भी रेडियस है और ये आपका टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन है, ठीक है। देखिए एक बात, आप इसके पहले जो हाई स्कूल में आप पढ़ चुके होंगे कि जो टेंजेंट लाइन होता है और रेडियस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री होता है। ये भाई देखिए ये थ्योरम था कि रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बहुत शॉर्ट, देखिए ये क्या है, ये टेंजेंट लाइन है और ये सपोज करिए ये क्या है, रेडियस है। तो इसके टेंजेंट लाइन और इसके बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। इसको हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे, चलिए कोई बात नहीं। तो यहां भी जो है ये 90 डिग्री होगा, ये कितना होगा, 90 डिग्री। और देखिए एक्चुअल में इधर भी 90 डिग्री होगा, ये जो टेंजेंट लाइन है इससे ये 90 डिग्री होगा, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आपका सपोज करिए ई पॉइंट है तो ये ई एफ क्या होगा, वर्साइन है। ई एफ देखिए ई एफ क्या होगा, वर्साइन। ये क्या है आपका, वर्साइन, जिसे वी से डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए ट्राइंगल ओ टी वन आई, अगर मान लीजिए, देखिए ट्राइंगल ओ टी वन आई इन ट्राइंगल ओ टी वन आई, देखिए ओ टी वन आई में आप क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्चुअल में ये जो है 5/2 होगा, जान लीजिए, और ये भी क्या होगा 5/2। इसका मतलब ही अब आपको आज से क्लियर जो है समझ लेना चाहिए कि जो डिफ्लेक्शन एंगल यहां पर बनेगा वह डिफ्लेक्शन एंगल सेंटर पर भी बनता है। इसका मतलब ये टोटल क्या होगा 5, तो जो हाफ होगा वो 5/2। तो देखिए ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए IT1 अपॉन OT1 ये क्या होगा, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा, तो थीटा की जगह पर हमारा 5/2 है, 5/2 है, समझ गए होंगे। अच्छा IT1, चलिए कोई बात नहीं है, IT1 क्या है, ये तो टेंजेंट लेंथ है, ये क्या है टेंजेंट लेंथ को टी से डिनोट करते हैं, चलिए तो ये टी हो जाएगा। देखिए IT1 के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं टी, तो टी अपान ओ टी वन, देखिए आर है, आर इक्वल टू टेन 5/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो इसका मतलब टी इक्वल टू आर टेन 5/2। देखिए ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये फार्मूला आपको याद रखना, t इक्वल टू आर टेन 5/2, बहुत ही जी फार्मूला है। देखिए हमने इसको जो है इस ट्राइंगल से क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया, बट आप t इक्वल टू आर टेन 5/2 अगर आपको याद है तो चलेगा, चलिए ठीक है। अब हम आपको एक चीज और यहां बताना चाहते हैं, सपोज करिए कि देखिए आपका एक ट्राइंगल जो है ओ एफ टी वन, देखिए ओ एफ टी वन बना हुआ है, देखिए इन ट्राइंगल ओ एफ टी वन,
अरे भाई ये भी तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक्चुअल में आपको ये देखिए, ये C/2 पता है, C/2 पता है, तो इसको क्या करें, देखिए जो आपको जो भी साइड पता है उसका रेशियो ले लीजिए, ये पता है और ये पता है, तो इसका मतलब ये हुआ T1F अपान OT1 इक्वल टू होगा, देखिए ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटन्यूज, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटन्यूज, तो इसको कहते हैं साइन फाई। अब मान लीजिए, सपोज करिए कि थोड़ा सा आप भूल गए हो, तो जो आपका थीटा होता है, यही ये थीटा है, तो इसके फ्रंट वाली साइड जो होती है परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये तो देखिए हाइपोटेन्यूज, जिसको हम लोग हिंदी में कर्ण बोलते हैं, तो ये तो कर्ण है ही, तो ठीक है। तो देखिए T1F के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, C/2, इसको हम लोग बाद में लिख लेंगे, बाद में देखिए T1F अपान ये क्या हो जाएगा R, देखिए इक्वल टू साइन फाइव बाई टू। तो देखिए इसका मतलब आपका वैल्यू क्या आ गया, T1F इक्वल टू R साइन फाइव बाई टू। देखिए इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, T1F इक्वल टू R साइन फाइव बाई टू। देखिए और T1F क्या है, देखिए T1F C/2 है, T1F क्या है, C/2 है, तो C/2 इक्वल टू R साइन फाइव बाई टू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो C इक्वल टू 2R sin 5/2। तो ये भी फार्मूला आपको कर्व में याद करना पड़ेगा, कॉर्ड लेंथ इक्वल टू 2R sin 5/2। तो देखिए ये बहुत ही इजी पर फार्मूला है, इसमें कहीं भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए इसके लिए आप समझिए होता क्या है, अभी आपने क्या दो फार्मूला समझ गए कि ये जो आपका टेंजेंट लेंथ है, टेंजेंट लेंथ आर टैन फाइव बाई टू होता है, और दूसरा जो कार्ड लेंथ है 2R sin 5/2। अच्छा ये कार्ड लेंथ है क्या, देखिए ये T1 T2, इसको क्या लिख सकते हैं, T1 T2 इक्वल टू 2R sin 5/2। बस हो गया, बस क्लियर हो गया आपको। अब देखिए इसका एक बात और बताऊं कि आप ये क्लियर जानते हैं, देखिए एक्चुअल में ये आपका सर्कल है, तो ये सेंटर है, तो 2πr इसका सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr, तो 2πr देखिए इसके द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनता है वो 360 का बनता है। भाई देखिए इसका मतलब ये हुआ, हम ये बताना चाहते हैं 360 डिग्री का जो एंगल बनता है वो कितने लेंथ से बनता है, अरे भाई 2πr से बनता है भाई, 360 डिग्री का जो है सेंटर पर एंगल, 360 डिग्री का सेंटर पर एंगल कितने से बनता है, कितने कर्व से, अरे भाई सर्कमफेरेंस से बनता है, तो 2πr से, लेकिन हमारा जो सेंटर का एंगल है वो कितना है, फाई है, तो इसका मतलब देयरफॉर फाई एंगल कितने से बनेगा, कितने भाई, कितने भाई, 360 डिग्री
टू पाई आर लेंथ से बनता है, तो 5 डिग्री 2πr से तो नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये सिंस ऑफ देयर फोर, तो इसका इसका मल्टीप्लाई हो जाता है 2πr φ/360। 2 से कैंसिल करिए तो वो ये 180 हो जाएगा, तो πr φ/180। देखिए इसका मतलब जो 5 डिग्री का एंगल, जो भी 5 डिग्री का एंगल कर्व का जो पार्ट बनाएगा, यही पार्ट बनाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे इसका मतलब ये हुआ, आपको कोई भी ये क्या हो, आपको फाइंड आउट क्या हो गया, कर्व लेंथ। तो इसका मतलब कर्व लेंथ इक्वल टू πr φ/180। बस कर्व लेंथ हो गया आपका। तो अगर कर्व लेंथ जो है कैलकुलेट करना हो तो आपको πr φ/180 बस हो गया, जहां r क्या है, रेडियस ऑफ कर्व है, ठीक है। फाई क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल है। फाई क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल। जो ये डिफ्लेक्शन एंगल इस डिस्प्ले यहां पर जो ये एंगल है इसके इक्वल होता है। तो देखिए अब आपको क्लियर पता चल गया। तो कर्व लेंथ का हमने फार्मूला बता दिया। तो इस तरह से आपको ये 3 फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए पहला फार्मूला ये है टेंजेंट लेंथ का, दूसरा ये कार्ड लेंथ का, और तीसरा अभी हमने बताया ये फार्मूला किसका है, कर्व लेंथ का। तो ये जो है ये तीनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए डिराइव करना जरूरी नहीं है, बट अगर आप डिराइव करना सीखे होंगे तो आपको कभी भी ये फार्मूला नहीं भूलेगा। तो वीडियो का ये पार्ट जो है समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम जो है कर्व से रिलेटेड जो है और भी टॉपिक का स्टडी कराएंगे। बस बट इस पार्ट में इतना ही। धन्यवाद।